व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका गाइस। ये सारे गामा कारवा का साउंड बार 10 दिन हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए। लगभग 70 से 80 घंटे मैंने इसको चला चुका हूँ। हर दिन 6-7 घंटे ये मेरे घर में इस्तेमाल हो रहा था। इसमें एक बार में समझ लीजिए एक दिन में 2-3 मूवियाँ मैंने निपटाई है, मैंने खुद निपटाई भाई साहब इसमें इतनी मूवियाँ। और उसके बाद आज आपको ट्रू रिव्यू देने वाला हूँ, इसको बताने वाला हूँ आपको कैसा है, क्या क्या चीज़ें इसकी खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं इसकी, और क्यों आपको लेना चाहिए या फिर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, किस किस रीजन के हिसाब से। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट किया, उससे पहले आप सभी बता क्या करना है, चैनल में जाकर जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो यार इसकी चलो पूरा फुल रिव्यू आपको देना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ इसकी कुछ खूबियाँ, जैसे कि इसमें पहले से ही 1000 गाने 70s 90s 80s के सारे गाने इसमें भरे हुए हैं। पहले से आपको जो मैंने फोटो दिखाई थी अनबॉक्सिंग करते समय, आप जाकर के देख सकते हो फुल अनबॉक्सिंग इसकी। 10 दिन पहले मैंने लगभग इसकी अनबॉक्सिंग करी थी। वो पुराने गाने सारे गामा कारवा के सारे भरे हैं, क्योंकि सारे गामा कारवा के खुद के सारे बनाए हुए सॉन्ग है 70s 90s 80s के, क्योंकि वो कंपनी थी म्यूजिक सॉन्ग की, वही ओरिजिनल सॉन्ग इसमें भरे गए। वाकई में एक ट्रू मेलोडी सॉन्ग की साउंड आपके कान में आती है, मतलब एक ट्रबल बास हाई स्लो सब कुछ वेल तरीके से कंट्रोल है इसमें यार। मतलब बास को एक अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया है, मिड और लो को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया, सब कुछ पुराने गाने के हिसाब से बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया। लेकिन क्या नए चीज़ों के हिसाब से कंट्रोल किया गया है आज 2023 आज के हिसाब से, क्या इसमें वो सब चीज़ें हैं आपको चलो आगे बताते हैं सब कुछ। उससे पहले खरीदना चाहते हो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाइए मेरे लिंक पर क्लिक करिए, इसको जाकर खरीद सकते हो। या फिर और कोई होम थिएटर खरीदना है 3000 से लेकर के 10000 के बीच में, उसके भी खरीद सकते हो। इसकी प्राइसिंग वैसे है 6060 वॉट का साउंड बार है सारे गामा कारवा का। और ये मैं करने जा रहा हूं आपको इसको ऑन, और उसके बाद देखिएगा आवाज कैसी आएगी। पावर ऑन सारे गामा मोड। तो भाई साहब पावर ऑन हो चुकी है, सारे गामा मोड चालू हो चुका है। और जिसको वीडियो पिछले नहीं देखे अनबॉक्सिंग, तो आपको इसी बता देता हूं। इसमें जैसे कि मैंने बताया सारे गामा मोड का मतलब ये होता है पिछले 1000 सॉन्ग्स इसमें पहले से डाले गए हैं इसके अंदर। शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ, 1000 गाने भाई साहब इसमें पहले से डाले गए हैं, जो कि 70s 90s 80s के बहुत ज़्यादा अच्छे सॉन्ग इसमें जो बेस्ट सॉन्ग है सारे के सारे इसमें डाल दिए गए हैं। चलो आपको कुछ साउंड की साउंड, क्योंकि यार इसमें ट्रू मेलोडी सॉन्ग आपको आती है, मतलब हाई स्लो ट्रबल बास मिड लो सब कुछ अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा गया यार इसमें। इतनी प्यारी साउंड मुझे लगती है कि मन करता सुनते ही रहो, क्योंकि यार सारे गामा कारवा खुद ही म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो सारे के सारे सॉन्ग उसने ओरिजिनल सॉन्ग्स क्वालिटी इसमें डाल दी है। अब चलिए सुनाते हैं आपको। डालेंगे ना तो भाई साहब कॉपीराइट आ जाएगा मेरे चैनल पे, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। साउंड मेलोडियस बहुत ज़्यादा अच्छी साउंड है यार, क्योंकि यार जो पुराने गाने थे ना उसमें क्या होता था, जो मिड्स और जो लोज थे उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल चाहिए होता था। जो भी स्पीकर इस चीज़ में अच्छे नहीं होते थे आज के ज़माने के हिसाब से, जैसे स्पीकर हैं तो उसमें इतने अच्छे से साउंड पुराने गाने में, लेकिन इसमें वो चीज़ ओरिजिनल ढली गई है। लेकिन उसके बावजूद आपको अगर इसमें ब्लूटूथ मोड कनेक्ट करके दिखाते हैं एक बार, तब आपको समझ में आएगा जो नए गाने हैं वो भी कितने अच्छी तरीके से कंट्रोल है इसमें। ब्लूटूथ मोड मेरा चालू हो चुका है और ये मैं अपनी डिवाइस चालू करने जा रहा हूँ। देखो ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ कनेक्टेड ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है मेरी डिवाइस से। जैसे ही मैंने अपने डिवाइस ऑन किया लैपटॉप से और मैं इसको चलाने जा रहा हूँ, ये देखिए साउंड इसकी। इसमें जो है बास का ऑप्शन दिया, तो मैं बास पूरी फुल कर देता हूं। बीप आ गई, मतलब कि बास भी फुल हो चुकी है। हर चीज के लिए इसमें बीप दी गई, जब हाई बिल्कुल हो जाए तब भी बीप आएगी, बिल्कुल कम करो तब भी बीप आएगी। अब बिल्कुल फुल बास पे आपको इसको सुनाया जाए और फुल वॉल्यूम भी कर देते हैं यार, फुल वॉल्यूम और फुल बास हो चुकी है। अब चलो सुनाया जाए और इसको म्यूजिक वाले मोड में कर देते हैं। Hey, come and close my mouth, waiting for you. Let the noise fall.
हाँ तो भाई साहब, आपने इसकी साउंड सुनी, नए गाने पुराने गाने दोनों मैंने आपको इसमें चला करके दिखाए, और आपको लग रहा होगा यार पुराने गाने भी अच्छे चले नए गाने भी अच्छे चले, क्योंकि आज इसमें बताया गया ना इसमें डुअल ड्राइवर इनबिल्ट है, मतलब कि जब आप जैसे ही इसमें सारे गामा कारवा के साउंड चलाते हो तो उसके लिए एक अलग से पर्टिकुलर ड्राइवर डाला गया कि जब आप पुराने गाने ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करोगे ना, जैसे अभी हमने को ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाया, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चलता है। साथ साथ में आपको अगर जो है नए गाने चला रहे हो तो उसके लिए अलग ड्राइवर है, डुअल ड्राइवर इनबिल्ट किया गया है, जो 90s के साउंड उसके लिए अलग और जो 2000 के साउंड उसके लिए अलग, तो इसीलिए सारे गानों को अच्छे से ये कर देता है यार, क्योंकि यार कोई भी प्रोसेसर कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी यही सब चीज़ें तो गाने को अच्छे तरीके से करती हैं, वो चीज़ इसके अंदर डाली गई है, चाहे पुराने गाने चलाओ चाहे नए गाने चलाओ, उस नए गाने के हिसाब से बास ट्रबल बहुत अच्छे से कंट्रोल है, पुराने गाने के हिसाब से मिड्स और लो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल है, हाई पिच को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल रखता है, सब कुछ वेल कंट्रोल है। लेकिन एक ही चीज़ मुझे लगती है यार, ये अगर 80 या फिर 100 वॉट का तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये 60 वॉट का है। हालांकि 60 वॉट के बावजूद आपका आपका रूम 250 स्क्वायर फीट का है, मेरा रूम जैसे जो है 260 या 250 स्क्वायर फीट का है, तो कोई भी कमी नहीं आने वाली है साउंड की। उससे अगर बड़ा रूम है 300-400 स्क्वायर फीट का है तो आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन अगर 250 स्क्वायर फीट का रूम बताए बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल होता है, मेरा हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसमें लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने रूम को नाप लीजिए एक बार, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ नापिए और ब्रेथ नापिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चलेगा कितने स्क्वायर फीट का आपका रूम है, उस तरीके से आप इसको ले सकते हो 260 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें यार HDMI पोर्ट है, मैंने इसमें मूवीज़ देखी, जैसे कि आपको जो है मैंने दिखाई थी अनबॉक्सिंग करते समय आपको, वही मूवीज़ मैंने इसमें देखी है सारी की सारी, बहुत अच्छी तरीके से यार HDMI पोर्ट के थ्रू चलता है, क्लियरिटी साउंड मतलब एक ट्रू HD साउंड आती है इसमें, और FM मोड मैंने पहले जो आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था, FM मोड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी भी हिसाब से यार मुझे ऐसा नहीं लगा इसमें यार कि ऐसी कुछ कमी रखी गई हो कि मैं बोल दूँ कि पब्लिक को इसको ना ले। इसी मैं बोलना चाहूँगा भाई साहब, ये जो साउंड बार है ना, अगर वाकई में आप पुराने गाने के शौकीन हो तो इसको आप आँख मोड़ के ले लो यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, खाली एक ही चीज़ है कि आपको लगे कहीं ना कहीं साउंड कम है। साउंड कम का मतलब है 60 वॉट का साउंड है, आपको वो वाली साउंड नहीं मिलने वाले कि बगल वाले पड़ोसी परेशान हो जाए, वैसे साउंड नहीं है, बहुत अच्छे लोगों के लिए साउंड बार बना गया, अच्छे लोगों मतलब शरारती जो इंसान होते हैं ना आजकल के नए जमाने के, बिल्कुल ढूंढ ढूंढ वाली साउंड चाहिए वो आपको इसमें नहीं मिलने वाली, ये साउंड बार है, होम थिएटर सिस्टम नहीं है। होम थिएटर खरीदना उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसको भी खरीदना इसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए खरीद लीजिए अगर आपको इसको पसंद आ रहा है। मैं अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया यार, इससे ज़्यादा और कितना बताऊं, और साथ साथ में मेरे चैनल जाकर जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन कॉल कर लीजिए, बाकी कोई भी होम थिएटर सिस्टम खरीदें जैसे कि मैंने लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।